जिस तरह से वो वहाँ पर एनकाउंटर किया गया उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कहीं सामने से कोई फायर कर रहा है। अपराधी में भय होना चाहिए, लेकिन अपराधी के अंदर अपराधी है तो उसको उसकी सजा का कानून का प्रावधान है। जांच करने के लिए अशोक जी गहलोत को सीबीआई की जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से मैंने ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा है कि जो पुलिस के द्वारा जिस तरह से हत्या की गई है या जिस तरह से वो वहाँ पर एनकाउंटर किया गया उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कहीं सामने से कोई फायर कर रहा है। तो ये जिस तरह से किया गया है तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न चिन्ह है और राजस्थान की सरकार है वो जिस तरह से इस तरह से एक अगर काम करती है तो मैं सोचता हूँ ये निश्चित रूप से एक निंदनीय है। और अपराधी में भय होना चाहिए, लेकिन अपराधी के अंदर अपराधी है तो उसको उसकी सजा का कानून का प्रावधान है और उसके अंदर आप एक इस तरह से करते हैं तो मैं सोचता हूँ इसके लिए अशोक जी गहलोत को इसकी जांच करनी चाहिए और जांच करने के लिए अशोक जी गहलोत को सीबीआई की जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जैसा कि अगर यहाँ की पुलिस है उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और ना ही सरकार से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जैसा सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है उसके अनुसार कुछ राजनेताओं का भी इसके पीछे मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया के आधार पर कहा जा रहा है कि कुछ राजनेताओं के पीछे हाथ है। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जांच सीबीआई से हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस समय जांच की आवश्यकता है और वो भी सीबीआई जांच की। तो इसके लिए अशोक जी गहलोत को यहाँ से राज्य सरकार से लिखकर और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।